हरपुर बुधर थाना क्षेत्र के सोपरा देवरिया गांव में किराना व्यापारी की हत्या के चार और आरोपियों को पुलिस ने बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले पुलिस इस मामले में चार आरोपियों को जेल भेज चुकी है। गुरुवार को पकड़े गए आरोपियों की पहचान लाल बिहारी विश्वकर्मा, रामचल यादव, रामपाल यादव और अमन यादव के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि 26 नवंबर को विजय प्रताप की हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 11 नामजद और 2-3 अज्ञात पर केस दर्ज किया था, तभी से आरोपी फरार थे। इसी बीच पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिनके घर पर शादी का आयोजन था और विवाद की शुरुआत हुई थी। मुख्य आरोपी रामचल यादव और उसके परिवार के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। बृहस्पतिवार को मुखबिर की सूचना पर बीटी रावत के पास मुख्य आरोपी सहित चार आरोपी मौजूद हैं। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए चारों आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानेदार प्रवेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक सुरेंद्र यादव, कांस्टेबल सत्यम सिंह यादव, शुभम सिंह, अंतिम प्रजापति, आनंद कुमार सिंह और सुनील कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण ने कहा, ये 26 तारीख को थाना हरपुर के अंतर्गत सोपरा देवरिया में हत्या हुई थी विजय प्रताप जी की। उसके संबंध में आज चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जब वो जनपद छोड़ने की फिराक में थे भीटी रावत से, और पूर्व में भी चार गिरफ्तारी हो चुकी है, तो इस संबंध में कुल मिलाकर 8 गिरफ्तारी मुख्य आरोपी सहित हो चुके हैं। बाकी के लिए प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही परिणाम सामने होगा। कितने लोगों के खिलाफ से मुकदमा पंजीकृत किया गया? मुकदमा 11 लोगों के खिलाफ पंजीकृत किया गया था, जिनमें से 8 की गिरफ्तारी हो गई है। सर, हत्या का वजह क्या था? हत्या का वजह आर्केस्ट्रा को लेकर विवाद था, रात में कुछ विवाद हुआ और उस समय उसका समाधान हो गया। बाद में सुबह दोनों पक्ष आपस में फिर मारपीट कर लिए, जिसमें विजय प्रताप नामक व्यक्ति की डेथ हो गई थी। ये आला कत्ल में जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ बरामद हुई हैं, 2 लाठियां और 1 डंडा ये बरामद हुआ है, जिससे हत्या हुई थी।